अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारी जो CSV फॉर्मेट है उसमें एक तो हमें मैनुअल क्रिएट करने पड़ते हैं जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा, और फॉर एग्जांपल अगर कोई ERP है CSV पे बनी है उसकी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं उसको हमें बनाना पड़े तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर हमारे पास उसका मेन स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक अपने किसी एक कस्टमर का जो है वो ERP स्ट्रक्चर में का है एक नाम उठाया है मैंने, और ये मैं चाह रही हूँ कि इनकी ऑटोमेटिकली फील्ड्स बन जाएं मेरे CSV में, मुझे मैनुअल ना बनानी पड़े। मैं ये जो है अपलोड कैसे कर सकती हूँ, चलें तो देखते हैं। आज मैपर को ओपन करते हैं और एक मैप क्रिएट करते हैं जिसका नाम रख देते हैं टेस्ट CSV लोड के नाम से। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो इनपुट फॉर्मेट है वो CSV हो, तो मैं थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके वेरिएबल डेलिमिटेड CSV फाइल रख देती हूँ। अब मुझे ये फाइल का टेम्पलेट जो है अपलोड करना है, तो कस्टमाइज पर क्लिक करूँगी, फाइल को मैं सर्च कर लूँगी, और यहाँ पे वो पूछा है इंक्लूड कॉलम फील्ड नेम एज फ्रॉम द फर्स्ट रिकॉर्ड। सो यस, मैं फर्स्ट रिकॉर्ड को गेट करना चाहती हूँ अपने मैप में। नेक्स्ट फिनिश, और यहाँ पे आउटपुट साइड पे फॉर एग्जांपल अभी मैं रख देती हूँ EDI। हम इसको डिटेल में भी देखेंगे कि EDI को सिलेक्ट कैसे करते हैं और किसके अकॉर्डिंग हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है। अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे सामने ऑप्शन आ रहे हैं वो सिलेक्ट करती जा रही हूँ। तो ये देखिए हमारे पास जो है जो भी हमारी हेडर की फील्ड्स थी वो सारी जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई हैं। हमें अगर ये मैनुअल करना पड़ता तो कितना टाइम लग जाता, तो इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और गलती की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। और अब आप जो है कोई भी डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं तो वो एक दो क्लिक पे ही आप काम कर सकते हैं। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।